हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ई है नेशनल। आज मैं आपको बताने वाली एक बढ़िया सी लव स्टोरी, जो लव स्टोरी बहुत वायरल इंसान की है। आप अमृतपाल को तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। अब हम जानेंगे इनकी वाइफ के बारे में। इनकी वाइफ का नाम है, बड़ी सोनी है ना लड़की, इनका नाम है किरणदीप कौर। तो पहले हम जानेंगे इनकी लव स्टोरी शुरू कहाँ से हुई। वैसे जनरल लव स्टोरी तो आपको पता है कि आजकल शादी के लिए लड़का ढूंढना बहुत इजी है। इंस्टाग्राम पे तो यूँ मिल जाते हैं, फेसबुक पे भी मिल जाते हैं, बस फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, बातचीत, पसंद आ गया, हो गया शादी। इनका भी कुछ वैसा ही है। इन्होंने जब वैसे स्टार्टिंग से बता दूँ तो अमृतपाल सिंह रहते थे दुबई में, किरणदीप कौर रहती थी यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। पर है दोनों पंजाबी ही, सिख ही है दोनों भी। किरणदीप कौर है जलंधर से और ये है पंजाब से ही चाहिए भी, आप तो इन सबको अच्छे से जानते ही होंगे। और इनकी लव स्टोरी शुरू हुई थी जब ये दुबई में थे और वो यूके में थे, लॉन्ग डिस्टेंस लव रिलेशन, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले जब ये बहुत फेमस चल रहे थे तो ऐसा प्रोटेस्ट कर रहे थे कि सिख के लिए लड़ाई वगैरह, ये सब खालिस्तान का प्रोटेस्ट चल रहा था, तब किरणदीप कौर ने देखा कि ये बहुत हाईलाइट हो रहा है सोशल मीडिया पे, बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, क्यों ना मैं इसको ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दूँ। तो उन्होंने इंस्टाग्राम पे उसे रिक्वेस्ट भेजी और उसे फॉलो कर, मतलब आई मीन उसको फॉलो किया करती थी। और किरणदीप कौर को उनकी हर बात बहुत मीठी मीठी लगती थी, यानी सिख के लिए वो जो जो बात करते थे उन्हें लगता था कि ये सब सही बोल रहे हैं और गवर्नमेंट इनके खिलाफ जाके गवर्नमेंट ही गलत है, ऐसा किरणदीप कौर को लगता था, ठीक है। एक साल तक इन्होंने बस वन साइड ही लव किया, वन साइड उसको बस फॉलो करते जाते थे, उसके देखते रहते थे पोस्ट गेस्ट और खुश रहते थे। फिर बाद में वन ईयर के बाद अमृतपाल ने भी उनको मैसेज करना शुरू किया, उनको रिप्लाई करना शुरू किया। फिर धीरे 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 दोनों कपल्स को ऐसा लगने लगा कि हम दोनों की लाइक्स डिसलाइक्स सेम है। दोनों बातचीत करने लगे, तुम्हें क्या पसंद है, हमें क्या पसंद है, ऐसे लव स्टोरी की बातें करने लगे। और फिर बाद में दोनों के बीच प्यार बढ़ गया। फिर बाद में उनको ये भी पता चल गया कि भाई हम तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और रिसेंटली उन्होंने शादी की है, 10 फरवरी आई थिंक सो। आज इनकी शादी को बस 1.5 महीना हो रहा है और 1.5 महीने में ये बस इधर उधर भागे जा रहे, देश भर भागे जा रहे, क्योंकि कांड ऐसे कर रहे हैं ना। अब भाग चुके हैं, पुलिस को पकड़ भी गए हैं और रिसेंटली इनकी वाइफ को भी पकड़े गए थे एयरपोर्ट पे, किरणदीप कौर को। और ये थी इनकी लव स्टोरी, जो सामान्य है बिल्कुल, जो नॉर्मल है आजकल, सब हर कोई कर रहे हैं ना। लोग बोलते हैं कि निब्बा निब्बी बोल देते हैं लोग कुछ कुछ की, इंस्टाग्राम पे लव स्टोरी शुरू कर रहे हैं, बस वैसा ही समझ लो। इनका कोई टिंडर या फिर बम्बल वाला ऐप नहीं है, इंस्टाग्राम पे लव स्टोरी शुरू हो गई थी और बढ़िया सी शादी भी हो गई। ऐसी लव स्टोरीज आप भी सक्सेसफुल कर लो। ऐसे ही कुछ मैं अमृतपाल सिंह के भी आपको अपडेट्स देते रहूंगी। ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ईहा नेशनल को।